आली, इसलिए खोड़ा, इसलिए ये इसे जितना गुजर काम है ना, अभी ये जो गुजर समाज है ना, ज्यादा करके मेरी प्रचार से गुजर को पास में गुजरिया है, लेकिन अभी भी हमें दिखता है ये अगर इनको भक्तों का संग मिल जाए ना, ये बहुत जल्दी, पहले तो इनके अंदर में संस्कार है, ये गुजर के अंदर में संस्कार है, जैसे अभी आप जितने माताएं बैठे हो, आप सब संस्कारी हो, सर के ऊपर में कपड़ा ओढ़ करके बैठे हो, ये बहुत बड़ी चीज है, जो माताएं गुजर समाज में माताएं सर के ऊपर से कपड़ा नहीं हटाती हैं। अभी हमारे जितने अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कार आकर के हमारे संस्कार को नष्ट कर रहे, लेकिन ये गुजर समाज को धन्यवाद है, अभी भी सर के ऊपर गोभी बैठ हुई, पूरा सर कपड़ा ओढ़ करके बैठ हुई, बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप लोग ये संस्कार को अपने घर में रखा करो। और एक चीज देखा गुजर के अंदर में, जो माताएं है ना हर समय आगे रहती है, जो लड़के लोग सब पीछे रहते हैं, जैसे पहले होता है ना लड़कियां घर में छुप करके रहती थी, लड़के आगे आते थे, लेकिन गुजर समाज में देखा घर का जितने काम काज सब गुजरियां, सब माताएं करती हैं, और पुरुष लोग जैसे लड़कियां जैसे पीछे रहते हैं, लेकिन अच्छी चीज है, तो बुरी चीज नहीं, ये बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, हमने देखा नहीं अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, है? क्योंकि घर की जो लक्ष्मी है ना, ये माता है, ये घर की लक्ष्मी माता है, स्त्रियों को लक्ष्मी कहती है ना, स्त्रियों को, इसलिए ये लक्ष्मी, इसलिए हनुमान जी जब उन्होंने तुलसी पौधा देखकर पूछा, इसका मतलब क्या है, अगर आपके घर में ये तुलसी पौधा होगा ना, क्या होगा, हनुमान जी तुम्हारे घर में आ जाए, ठाकुर जी आ जाएंगे तुम्हारे घर में। फिर जब नीचे उतरा और एक चीज देखा, घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, क्या लिखा हुआ, किला क्या लिखा हुआ था, श्री राम, बोले ये तो मेरे प्रभु का नाम है। देखो ध्यान देकर के इधर है ना, इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, बोले क्या शिक्षा देते हैं, जो घर का नाम है अपना नाम पर घर नहीं रखनी चाहिए, किसके नाम पर रखनी चाहिए, प्रभु का नाम पर, लेकिन दिया किसने सब कुछ, किसने दिया बोलो, प्रभु ने दिया है ना, ठाकुर हमें दिया है ना, ये तो घर ठाकुर का ही, इसमें कितने लोग रहे होंगे और कितने लोग चले गए होंगे, और पता नहीं अगर कितना नाम रखे होंगे कितना नाम मिट गया होगा, लेकिन जब एक बार ठाकुर का नाम पर कोई घर रह जाता है, हैं? भगवान की भवन, राधा कृष्ण भवन, क्या होता है फिर घर क्या हो जाता है, वो घर भगवान की सचमुच से, जिस घर में भगवान का नाम पर हो, सचमुच से घर भगवान का धाम बन जाता है। इसलिए घर का नाम क्या रखनी चाहिए, ठाकुर जी का नाम पर, क्या लिखा हुआ था ऊपर, श्री राम। फिर उन्होंने क्या देखा, देखा शंख चक्र गदा पद्म, फिर देखा लहरी, ये तो सारे हमारे प्रभु जी की, भगवान मेरे प्रभु का सारे लक्षण, इसका शिक्षा हनुमान जी विभीषण भी ये शिक्षा देते हैं, घर में ऐसे नहीं हीरो हीरोइन का पिक्चर उसको और घर में फोटो लगा के रख दिया, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हीरो हीरोइन को फोटो को अपना पकड़े में रख लेते, नहीं, चरित्रहीन व्यक्तियों का कभी भी उनका फोटो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप जिसको देखोगे तुम्हारी लक्ष्य भी वैसे बनेगा, हम भी ऐसे हीरो हीरोइन बने हैं, जो दो 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे कहाँ गए सकते सब, तो श्रीदेवी कहाँ गई सकते सब, गए कहाँ सकते सब, लेकिन हीरो बने तो हनुमान जैसे हीरो बने, कैसे बना, जिसका नाम जगत में अमर हो जाएगा, अगर आप फोटो रखो तो ठाकुर का फोटो अपना पकड़ में रखो, हीरो हीरोइन का नहीं है, इसलिए विभीषण सब चीज सिखा देते हैं, सब ठाकुर की फोटो घर में इधर उधर का फोटो मत रखा करो, जिसको देखने पर प्रभु राम की कृष्ण की हैं, आपका घर का जो भक्त लोगों का नाम रखो, जिसको देख कर ऐसे लगे घर भगवान की दरबार है, हाँ हीरो हीरोइनी का फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए, जिसको देखने से दिन भर खराब हो जाएगा, चरित्र भ्रष्ट होगा, अगर फोटो देखोगे तो तुम्हारी बुद्धि देखो ऐसे ही होगा तुम्हारी बुद्धि, अगर ठाकुर का दर्शन करोगे तो कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर को दर्शन करने पर जीवन का अमंगल खत्म होता है, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने सोचा किसी ने जाकर के रावण को बोल दिया, चुगली कर दिया, बोले तू तो राम तुम्हारी विरोध है, रावण का विरोध था, किसने जाकर चुगली कर दिया रावण को, बोले तू तो रावण राम का तुम विरोधी हो, लेकिन तेरे घर में तो राम का सबसे बड़े भक्त बैठा हुआ, बोले कौन, बोले तेरे सगे भैया विभीषण, बोले कैसे पता चला, बोले जाकर देख लो उसके घर के सामने क्या लिखा हुआ, उसको घर के सामने क्या लिखा हुआ, रावण भागते भागते आया, बोले विभीषण, बोले क्या है, बोले जरा, बोले मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया, बोले कहाँ पर, बोले ये क्या लिखा हुआ, श्री राम, क्या लिखा हुआ था, श्री राम,
ये मेरे शत्रु का नाम, देखो ध्यान देकर सुनो, विभीषण और एक शिक्षा देते हैं, अगर भगवान की भक्ति करना तो हमें भक्ति ना, बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या बता, बोले रावण, बोले रावण का पहला अक्षर क्या, बोले रा, बोले भाभी का नाम क्या, बोलो मंदोदरी, पहला अक्षर क्या, म, फिर क्या हो गया श्री राम, रावण मंदोदरी पास रावण खुश हो गया, रावण खुद देखो यहाँ तो कुछ नहीं बोलेगा, लड़की बाजी करते हैं कुछ तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी गले में कंठी फिलर पहन लिया, बोले कौन सा बाबा का चक्कर में पड़ गए तुम, इसे तिलक कंठी क्या था, आश्चर्य बात है, आश्चर्य बात है, गंदे काम करे कोई अंगुल नहीं उठाते, लेकिन कंठी तिलक पहन ले गांव के, मीरा का नाम सुनिए ना सर, कुत्ते भी उसको पीछा नहीं छोड़ा, नहीं हम अच्छे काम करें भगवान की, अच्छे काम करें, अच्छे काम में हमें टुकनी नहीं चाहिए, अगर कोई गंदा काम करता है उसमें टुकनी चाहिए। इतने में फिर हनुमान जी अंदर में प्रवेश किया, उन्होंने सोचा मेरे को कोई तो भ्रमित नहीं कर रहे, अंदर में घुसे, फिर देखा विभीषण की रोम रोम से क्या निकल रहा था, बोले रघुपति राघव, ताली बजाते बोला राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जय जय रोम रोम से प्रभु का नाम निकल सकती है। इसलिए उन्होंने समझ गए कि भगवान की प्यारा भगत, फिर बाहर आए, फिर दरवाजा खटखटाए, फिर विभीषण निकले, जब विभीषण निकले फिर हनुमान जी को साथ में विभीषण का साक्षात्कार हो गई। होने पर जब विभीषण को ये पता चला ये कौन है, ये श्री भी हनुमान कौन है, माता कोई बात मत करो पास में बैठी करती, इसलिए उन्होंने देखा ये कौन है, वीर हनुमान, हनुमान राम के सबसे प्यारे भगत है। देखो विभीषण क्या कहता है, बोले आज मैं भाव भरोसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिलई नहीं सकता, जो रघुवीर मई अनुग्रह किनी तो मई दरस देने लगता है, आज मेरे भाग्य बदल गया, आज मेरे अहो भाग्य है भगवान के सबसे प्यारे भगत हनुमान जी से। इसका तात्पर्य है अब मेरे को प्रभु प्राप्ति का कोई और विलंब नहीं, मेरे को जल्दी से जल्दी ठाकुर मिलने वाले, ठाकुर जी मेरे को जल्दी जल्दी मिलने वाले, ठाकुर जी लगता है ठाकुर को मेरे ऊपर कोई विशेष कृपा है। देख हम इसलिए बता रहे थे जब घर में संत लोग आ जाए, घर में भक्त लोग आ जाए, इसका मतलब क्या है, हमारे सारे दुख कष्ट खत्म हो गया, सारे दुख कष्ट हमारी खत्म हो गया, हम और ये 84 लाख की जर्नी में और हमें भटकने का जरूरत नहीं, भगवान इसी जीवन में ही हम अपना बेड़ा पार करा देंगे, अपना श्री चरण में ठाकुर स्थान दे देंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम, अगर मेरे पास में कोई आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर जगत में जन्म मृत्यु दुख कष्ट पूरा खत्म, ठीक है ना। इसलिए आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, घर में संत लोग आए हैं, घर में हरि कीर्तन हो रही है, हरि नाम हो रही है, समझो जीवन का ही सबसे बड़े सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज करना, हमें और एक कदम बढ़नी चाहिए, पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, पत्नी इनकी पत्नी कौन है, इधर आ जाओ, बेटा का शादी नहीं हुआ, हो गया, बहू कहाँ तुम्हारी, आई नहीं, बहू कहाँ है तुम्हारी, ओ बहू इधर सामने आता,
देखो जब घर में संत लोग आते हैं ना, ध्यान देकर सुनो, जब संत लोग घर में आते हैं उनको कुछ दो और उनसे कुछ लो, कुछ दो और कुछ लो। बोले भैया दे क्या? बोले सारी गंदी चीजें दे दो। बोले ले क्या? बोले भगवान का भक्ति लो, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम लो। ठीक है ना? इसलिए भागवत में बताए जो चार चीज गंदी चीज, कितने चीज? चार चीज, चार चीज गंदी। मतलब कली का परीक्षित महाराज कली को चार जगह पर स्थान दे दिया। अगर कोई ये चार चीज को छोड़ दे और थोड़ी सी प्रभु का भक्ति करे ना, बड़ा पार हो जाएगा। बोले चार चीज क्या गंदी चीज छोड़नी चाहिए? पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए। क्या नहीं खेलने का चाहिए? क्यों? स्वयं स्वयं युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मेरे जुआ खेल करके फिर इतना सत्यानाश हो, कितने सत्यानाश हो गई, मेरी राज्य गई, भाई गई, भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र है ना देखना पड़ा। फिर 12 साल तक जंगल में बैठे, एक साल तक कहां युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, भीमसेन, गांडी विजेता और धनुर्धारी, विराट राज्य में नौकरी करना पड़ा, ब्रिगनला काम, रसोईया काम करना पड़ा। मतलब अगर कोई जुआ खेलेगा तो ध्यान देकर सुन लो, कोई अगर जुआ खेलेगा तो इतने नीचे तक उतर सकते हैं। इसलिए कभी भी जुआ में हाथ नहीं लगानी चाहिए। शिक्षा देते हैं, अगर बचना चाहते हो ठाकुर जो दिए उसमें ही खुश होकर के रहो, भजन करो, हैं ठाकुर का भक्ति करो। इसलिए ज्यादा पैसा चक्कर में, अभी ये गुजर समाज में बहुत लोगों को देखा भी, बस वो जो IPL आया था ना, जो क्रिकेट, मैं जानता हूँ गुजर लोगों को, पता नहीं पूरा घर खाली हो गई, बोले 5 मिनट में 6 रन रह दिया, पैसा सबके सब लगा दिए, करोड़ रुपया खत्म गया। कितने बुजुर्ग लोग का मेरे को सो बताए। इसलिए खबरदार, ये सब चक्कर में मत पड़ा करो, ज्यादा एक दिन में हम धनी बन जाएंगे नहीं। ठाकुर जो दिया उसमें खुश होकर खाओ और भगवान की भजन करो, ठीक है ना? जुआ कभी नहीं खेलनी चाहिए। दूसरा नंबर पानव। पानव मतलब होता है कभी भी गंदी चीज को सेवन मत करो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, दारू, ये सब चीज को मत लिया करो, ठीक है ना? दारू नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहला गुरु कौन है? पिता माता पहला गुरु। सबसे संस्कार कहाँ से पड़ता है? पिता माता से पड़ता है ना। अगर हम दारू पिएगा तो बच्चों को क्या शिक्षा देकर जाएंगे? जो पिता स्वयं दारू पिएगा, बच्चे को कभी मना कर सकता है तू दारू मत पिया करो? कभी नहीं बोल सकता है। इसलिए संत लोग कहते हैं दारू पीने वाले का 3 लाभ है। कितना लाभ है? जोर से बोलो, 3 लाभ। क्या? अच्छा तरह सुन लो, कान खोल कर दी। पहला नंबर, उसको घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी होगा नहीं, मतलब बोले कुछ घर में रहा तब तो चोरी होगा, वो सब बेच बाज कर गहना गांठी सब बेच बाज कर पी पाकर था तो चोरी कहां से होगा? दूसरे नंबर, वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहेगा तब तो बूढ़ा होगा। देखो गुजर समाज का सारी बात मेरे को पता है, कितने लोग पी पाकर सीढ़ी से गिर कर मर गए, आपको पता होगा, सारे खबर मेरे पास में आते हैं, सारे गुजर समाज, क्योंकि मैं ज्यादातर गुजर समाज में ज्यादा प्रचार करता हूँ, सारे घर घर मेरे को बात पता है। इसलिए क्या नहीं होगा? बूढ़ा नहीं होगा। तीसरा नंबर, कुत्ते दोस्त बनेंगे। मतलब कहीं पी पाकर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह साफ कर जाएगा, चार जाएगी पेशाब करके जाएंगे। इसलिए खबरदार, ये सब चीज से आप लोग बच्चों, आप माताएं तो सब अच्छी, माताएं तो पीती नहीं लेकिन पुरुष लोग पीती है, इसलिए घर का लक्ष्य माताएं को मना करते रहना, मना करते रहना, इस चीज को सबर मत किया करो, ठीक है ना? तीसरी चीज है मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, उसको नहीं खानी चाहिए, है? मुझे लगता है आप लोग तो मांस मछली खाते नहीं होंगे, अंडा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी प्याज लहसुन खा लेते हैं, है ना? कोशिश करना जैसे प्याज लहसुन छूट जाए, जैसे नवरात्रि आता है, आप लोग 9 दिन तक करते होंगे, लेकिन घर में ही प्याज लहसुन कोई घुसाते हो? कोई नहीं। क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा कर मुर्गा 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 नहीं, जो चीज माता को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए, जो चीज कान्हा को भोग नहीं लगेगा, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, हमें भी वो चीज प्रिय नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए देखो जो प्याज है ये अलग अलग पुराण में अलग अलग कथा है, सुन लो प्याज कैसी सृष्टि हुई। कभी भागवत सुने होंगे, जब समुद्र मंथन हो रही थी, जब मोहिनी ने अमृत लेकर के निकली, पहले बोले देवता को पिला देती हूँ, पहले जो पिलाते पिलाते धोखे से सौर भाग का नाम दस्ते उन्होंने धोखे से अमृत पी लिया,
चंद्र सूर्य इशारा किया प्रभु ये धोखे से अमृत पी लिया। भगवान चक्र उठाए उसने गला को काट दिए। जहां पर उसको मांस गिर पड़ा वहीं पर ये बना प्याज भी पौधा। जहां पर ये हड्डी गिरा वहां पर लहसुन भी पौधा हुआ। दूसरी कथा आती है पुराण में कुत्ते का अंडे को स्त्री की प्याज सृष्टि हुई। तीसरी कथा आती है कहते पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे। गो माता कहते हैं इसलिए गैया को मार नहीं देते थे। अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी यज्ञ करते थे यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे। ऋषियों के पास में ऐसे मंत्र शक्ति होती थी जब मंत्र बोलते थे गैया फिर जवानी बन जाती थी कोई गैया बूढ़ी हो गया यज्ञ के अनुष्ठान करके गैया को बलिदान दिया देने पर अभी किस ऐसे कोई व्यक्ति था सबका हाथ में पान दिया आहुति देने के लिए। एक व्यक्ति के मन में खाने की इच्छा हुई बोले खाऊं कैसे सब देख लेंगे बोले दूध का देता हूँ राखों में। ऋषि ने दो बार मंत्र किया तो गैया तो जवानी बनी गई लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था वहां पर घाव बना हुआ था वो भरा नहीं है भरा नहीं। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा ध्यान लगाया ध्यान में सब कुछ चीज देख लिया किसी ने मांस खाने के लिए छुपाया अभिशाप दे दिया बोले जहाँ पर ये मांस को गाड़ दिया वहां पर प्याज की पौधा होगी जहाँ पर हड्डी गाड़ दिया वो लहसुन की पौधा होगी। इसलिए देखना ये नवरात्रि में ये चीज को कोई ग्रहण नहीं करते कारण क्या है कि गंदी चीज से इसलिए तो नवरात्रि में ग्रहण नहीं करते ना। इसलिए देखना मांस जैसे लाल लाल प्याज भी लाल लाल जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है कच्चा प्याज खाओ सामने किसी से बात नहीं कर सकते यहाँ प्याज कट पता चलेगा प्याज कट रही है आंखों से आंसू निकल आती है आती कि नहीं क्योंकि इसका सृष्टि करनी चीज से। पर ये ठाकुर जी को भोग नहीं लगता इसलिए जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है वो चीज हमें नहीं खानी चाहिए। देखो ये गीता का श्लोक है हम लोग हिंदू है ना सब हिंदू गीता को मानते कि नहीं मानते हो गीता को मानते हैं कि नहीं। देखो गीता का श्लोक कृष्ण कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकरणा मतलब है जो व्यक्ति अपना लिए खाना बनाता है मेरे को भोग नहीं लगाता है वो केवल पाप भोजन करता है लेकिन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगाता है उसको अमृत भोजन करता है। क्या करता है अमृत भोजन करता है कृष्ण खुद कहते हैं ये बात है। इसलिए अब सुदामा जी का नाम जानते हो कौन कौन सुदामा जी का नाम सुने हाथ उठाओ तो अब टीवी में सीरियल देखे होंगे ये सुदामा पहले गरीबी क्यों बना फिर बाद में धनी क्यों बना अब टीवी में देखे होंगे ना। जब कृष्ण सुदामा गुरुकुल में गए थे इनकी गुरु माता ने सुदामा को चाना दिया था बोले देखो कृष्ण को देख रहे खाई हो लेकिन सुदामा ने क्या किया पेड़ के ऊपर चढ़ के छुपा छुपा कर खाए ना छुपा छुपा कर खाए भगवान को नहीं दिया इसलिए गरीब बना धनी कब बना थे। जब उसको पत्नी को पता चला इनका बचपन का सखा कृष्ण है द्वारकाधीश बोले जाओ ठाकुर का दर्शन करके आओ हमारे दुख दारिद्र खत्म हो जाएगा बोले खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए दो मुट्ठी खाए जब तीसरी मुट्ठी खा रहे थे रुक्मणी हाथ को बिल्कुल नहीं आपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊंगी। अब टीवी में देखे होंगे जब सुदामा आता है सोने की महल बना हुआ पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई अभी उसने उत्तर करके सुदामा जी को आरती उतारने के लिए गए। सुदामा सोच रहे हैं ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है वो पीछे हट रहा है। सुशीला बोली मेरे को पहचान नहीं रहा बोले तू है कौन बोले मैं तो आपको वही सुशीला हूँ मैं आपको वही सुशीला बोले ये सब क्या है बोले ठाकुर जी के लिए दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए थे ना ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठीक है ना। इसका मतलब अगर ठाकुर को देकर खाओगे ना घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी ठीक है माता जी रोज घर में खाना को घर में ये ठाकुर किसके हैं वाह बड़े सुंदर ठाकुर जी देखो मेरी माता जी घर में कितने प्यार निकले थाली बजाओ अरे इतने सुंदर ठाकुर जी इसलिए ठाकुर जी को रोज भोग लगाया करना ठीक है ना। फिर तो लक्ष्मी खूब कृपा करेगी घर में ठीक है लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाना खाती होगी घर में जो कुछ बनता अपना लिए अलग मत बनाया करो क्यों घर का मालिक हो ही ना हम तो उनका सेवक है हम तो उनका नौकर है ना है? हम कहते नहीं प्याज लहसुन तो बगैर स्वाद नहीं आता नहीं स्वाद नहीं बदबू है। अब कुछ दिन प्याज लहसुन नहीं लगा कर खाओ आप देखोगे प्याज जहाँ कटेगा खड़े भी नहीं हो सकते इतने बदबू मारता है हम तो खड़े होते हमारे सर में चकरा जाएंगे
फिर आप बोलोगे फिर प्याज लहसुन कहाँ से आया, ध्यान देकर सुनो ये कहाँ से आया, कहते सब मुगल लोग मुसलमान लोग लाए, ये मांस मछली दारू अंडा प्याज लहसुन लाया कौन, ये सब मुगल लोग मुसलमान लोग लाए। तुम्हारे घर में एक फीट पहले देख लो, तुम्हारे घर में ये सब चीज नहीं चलती हो, किसी हिंदू घर में नहीं चलता था, क्यों, घर में भगवान का भोग लगाते थे, ठाकुर को भोग लगा कर हर घर में खाते थे, खाना बोल रहा है, लेकिन ये लोग ला करके ना हम सब वो तो हमारा धर्म कोई कुछ नहीं लिए, और हम लोगों ने उसका सारे धर्म को एक एक करके उसका सारे धर्मों का अपनाना शुरू कर दिया, इसलिए हम लोग हिंदू है और तुम लोग गुजरी लोग हो, कौन हो बोलो, गुजरिया खोलो तिवारिया तेरे घर में आया हो, इसलिए कृष्णा कहते हैं कृष्णा गुजर के घर में जाते एक दरवाजा खोलो मैं गुजर आया हूँ, तुम लोग भी तुम लोग गुजर सब गोपियों को गुजर कहती है, इसलिए सचमुच से आप सब कहते हो गोपी बनाओ और क्या करो भगवान के भोग लगा के खाओ और विशेष करके भगवान का नाम जप करो, क्या करो ठाकुर जी की, हाँ बोले एक बार बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम, जोर जोर कर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और विशेष करके कलयुग में कहते कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नरक उतरी जाए, कलयुग में केवल भगवान ने सबसे सरल उपाय रखा, बोले जो कुछ करो अपना घर को क्या समझो ठाकुर का मंदिर, क्या समझो, किसने दिया, ठाकुर ने दिया भगवान का दरबार, और जो लोग पैसा कमाते हैं जो पैसा कमाते हैं क्योंकि पैसा के बगैर तो कुछ होगा नहीं, पैसा कमते क्रम सुंदर मकान बनाए, इसलिए जो पैसा कमाते हैं पैसा का नाम लक्ष्मी, क्या नाम है जोर से बोलो, आप बताओ लक्ष्मी किसकी है, नारायण है ना तुम्हारी है, नारायण की लक्ष्मी है ना, इसलिए आपका लक्ष्मी जैसे ये है, हैं? इसका लक्ष्मी ये है, इसलिए असली जो लक्ष्मी का प्रतीक नारायण है, खूब पैसा कमाओ लेकिन नारायण की सेवा के लिए, घर में जो कुछ खाना बने ठाकुर जी को भोग लगा रहे खाओ, ठीक है ना, नारायण की सेवा के लिए, घर में झाड़ू लगाते हो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान का मंदिर में, कहाँ झाड़ू लगाते हो भगवान की मंदिर में, समझना ठाकुर को मंदिर में झाड़ू क्यों लगाते हो, पर ठाकुर अगर कभी चले गए ठाकुर को प्यार में धूल नहीं लग जाए, इसलिए हम मंदिर को साफ करते हैं, जैसे बच्चे को थपथपी लगाकर सुलाते हो, बच्चा किसने दिए, किसके बच्चे है, ठाकुर जी के बच्चे है, इसलिए जैसे घर में गोपियां कोई साधु संन्यासी नहीं थी, वो सब गुजरी थी, गोपियां जो गुजरी थी ना वो घर में रहती थी, लेकिन घर में रहते हुए जो कुछ काम करती थी अपना हाथों से ठाकुर को सेवा मान कर करती थी, हाथों में तो सेवा मान कर करती थी लेकिन मुंह में क्या करती थी, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 और साथ में तुम्हारे कुछ भी नहीं चलता, इसलिए खूब हरिनाम करो खुद भजन करो, बच्चों को भी बोलो एक एक माला करें, क्या बोलो जोर से बोलो हर बच्चों को, लेकिन बच्चा कब करेगा, पहले जब पिता माता करेगा तो बच्चे सीखेगा ना, पिता माता से तो बच्चा सीखेगा, अगर हम हरिनाम करेंगे हमारे बच्चे भी हरिनाम करेंगे, ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को भी सुबह हरिनाम करना, सवेरे नहा धो करके थोड़ी सी हरिनाम करते हुए उसके बाद में अपना काम करो, तुम भी करना हरिनाम बहू, तुम भी करना, ठीक है ना,
ना, माला करोगे भगवान का नाम लेकर कहीं भी काम करोगे ना बढ़िया होगा। ठाकुर का नाम लेकर के कहीं किसी काम में जाओ, अगर मिट्टी में हाथ लगा वो भी सोना बन जाएगी। क्यों? तुम ठाकुर का नाम लेकर के जा रहे हो, ठाकुर का आश्रय लेकर के जा रहे हो। अब स्वयं देख लो हरि नाम करते हुए कितने शांति मिलती है, मन को कितने शांति मिलती है, आप लोग स्वयं देख लोगे। देखो ये गुजर समाज के इसको जानते हो आप लोग, खड़े हुए देख रहे हो कि नहीं, इन लोगों का पूरा जीवन परिवर्तन हो गया सबके सब, भगवान की भजन में सब का परिवार सब भगवान की भक्ति में लगे सबके सब। और गुजर समाज में हमने देखा बहुत लोग हैं, पहले जो पी पा करते थे हरि नाम ग्रहण किया तो आपको गड़ी का नाम सुने हो ना, कितने लोग शराब पी पा कर मर गए। लेकिन जब से मैंने वहाँ कथा की ना, इतने गाँव में इतने लोग परिवर्तन हो गए, कई कई शराब घर घर से छूट गया सबके सब। अब बच्चे लोग तिलक माला करते हैं, सब घड़ी घड़ी में भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए आप लोग हरि नाम करो, खुद भी करो और बच्चों को ऊपर में भी ये संस्कार डालो। क्या संस्कार डालो? घर में हर बच्चों को बोलो स्कूल जाने से पहले एक माला जप करके स्कूल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले खुद करो, अरे बच्चे तुमको सीख करके तुमसे करेंगे, ठीक है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की। देखो आज 55 सेक्टर में बड़े गुरु जी के 55 सेक्टर में उनको जो शताब्दी 100 साल पूरी हुई वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हो रही है। इसलिए आप सबको निमंत्रण है, किसी संतों की उत्सव में जाओगे तो संतों का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। सबके सब आना, कौन बनाओगे हाथ उठा सबके सब आना। और एक एक व्यक्ति है ना, अकेले अकेले नहीं, हमारे बड़े गुरु जी कहते 10-10 सब लेकर के आना। और जो झुंडपुर के जितने भक्त बैठे हुए हो, अक्सर करके जो झुंडपुर के लोग बड़े गुरु जी का शिष्य है, सब बड़े गुरु जी से सबके सब पटकी पाड़ा लिए थे सबके सब। आना तुम लोग, ठीक है ना, पूरा परिवार में लेकर आना, पत्नी बच्चों को सबको। और झुंडपुरा पूरा देखो, हमने कथा बहुत जगह पर की है लेकिन झुंडपुरा में जितना आनंद आया और आनंद कहीं नहीं आया। ताली बजाओ तुम लोग, क्योंकि हम लोग देखे हम लोग झुंडपुरा के भक्त लोग हैं। जब वहाँ कथा हो रही थी, अब देखना ऐसे उत्सव हुई, ऐसे प्रसाद बना, ऐसे प्रसाद तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हमने सचमुच झूठ नहीं करता, 7 दिन तक ऐसे उत्सव हुआ, घर से सब निकल कर आए, इतने भंडारा हुआ। कौन थे झुंडपुरा की हरि भागवत कथा में प्रसाद कौन को पानी? हाँ तो बताओ तो, एकादशी का दिन तो सबको मौसम का जूस सबको मिला, मौसम जूस हर एक भक्त ने दिया और पूरा का पूरा इतने बढ़िया प्रसाद हुआ कहीं प्रिया भैया। सही बात है ना। हाँ, इसलिए झुंडपुरा सचमुच से हम लोग बड़े भाग्यवान हो। हाँ, अभी हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे और भागवत कथा करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी, हम लोग अभी प्रोग्राम शुरू होने वाले 4 बजे से, हम लोग को जल्दी जल्दी जाना है। हमारे साथ में भी और सारे भक्त लोग थे, हम सोच रहे थे हमारे प्रभु जी कहाँ चले, अजय पायलट प्रभु, इसलिए हम बोले तो बोलने के लिए समय नहीं वहाँ पर बोले, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी ताली बजा से खड़े हो जाओ, कोई ठाकुर का कीर्तन हम कर देते हैं। और सबके सब तैयारी वगैरह बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर गए। हरे कृष्ण, बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए आप सब गुजरी मतलब कृष्ण की सब गोपियां ना, गोपियां तो कृष्ण कीर्तन में नाचती थी, इसलिए सबके सब जोर जोर से सबके सब नाचना। Yeah.
भागवत में श्लोक आया, जब ये पेड़ क्यों हुए जानते हो, पेड़ क्यों हुए, ये भागवत गीता है। भगवान इनको तो इंसान का जीवन दिया, लेकिन शादी विवाह में तो पी पी करके मैं नाचे, लेकिन जब ठाकुर का कीर्तन हुआ ना नाचे, बोले ठीक है तेरे को हम पेड़ जन्म दे देता हूँ, एक जगह पर खड़े हो, ये भागवत गीता है, अगर नहीं नाचोगे ना फिर पेड़ जन्म ठाकुर देंगे। सबके सब हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, सबके सब हाथ उठाओ, बोले हरि बोल हरि बोल, एक बार सब हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, प्रणिता हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, प्रणिता हरि बोल, हरि बोल, हरि नाच लो भगो, ठीक है इधर आ जाओ सर, लेकिन 80% हमारे भैया लोग पीछे सबके सब खड़े हैं, भैया लोग, ओ भैया लोग आप भी थोड़ा हमारे साथ नाच लो, ठीक है भैया लोग, एक बार और एक बार लास्ट एक बार समाज की झुंडपुरा के भक्तों की और घर का मालिक का नाम क्या, जयपाल प्रभु की, जयपाल प्रभु राजा उनका परिवार है, अभी जयपाल इधर 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 आ जाओ, और इनका घरवाली कहाँ गई, इनकी घरवाली कहाँ गई, ठीक है।
छोटा भाई, हाँ छोटा भाई, इधर इधर आ जा, इधर आ, तुम्हारे घर वाली कहाँ है? ऊपर गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अभी वहाँ पर प्रोग्राम होगा, जल्दी जल्दी प्रसाद देना, यहाँ पर प्रसाद है, सब बैठे दो। कालीन दीदी कहाँ गई? सब सबको ना।